मेरे जैसे को हाइट से जिसको फोबिया है उसको सो कुछ सिटी है वो आप देख पा रहे हो कितनी प्यारी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे आप सब लोग? तो आज है मंडे, लेकिन आज मैं कर रहा हूँ राइड एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे मैं कभी नहीं गया। भुज में मैं जा रहा हूँ, और वो लोकेशन क्या, कौन सी लोकेशन है वो आपको मैं अभी जाके ही बताऊंगा, अभी नहीं बताने वाला, वहाँ पे पहुँच के बताऊंगा। वो लोकेशन पे मैं आज तक कभी नहीं गया हूँ, और आज मंडे है वैसे, और मैं फ्री था आज तो सोचा चलो चलते हैं राइड पे, मैं और एसएम, तो हम दोनों जा रहे हैं अभी। और अभी टाइम हो रहा है 7:30, बस अभी थोड़ा सा नहाना धोना बाकी है। ऑलवेज लेट भाई, ऑलवेज लेट। तो फटाफट नहा के फिर तैयार होके फिर निकल जाते हैं। एसएम तो अभी तैयारी होगा, तो अभी हम फटाफट नहा लेते हैं पहले, फिर तैयार हो जाते हैं, और आपको भी हम डायरेक्ट बाइक पे ही मिलते हैं, क्योंकि मैं GoPro लेके आया अपने दोस्त का, सो मोटो व्लॉग आज होगा, सो हम आपको डायरेक्ट बाइक पे मिलते हैं। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों के बाद DSG व्लॉग मोटो व्लॉग पे वापस आते हुए, तो सबसे पहले हमको फ्यूल अप करवाना है, फ्यूल है नहीं, एंगल तो बराबर ही है, लगता तो बराबर ही है। मैंने अभी माइक नहीं इंस्टॉल किया है, क्योंकि जो माइक था वो मैंने निकाल दिया था, तो वापस हेलमेट में फिट करना था, टाइम चला जाता, ऑलरेडी 8 बज चुके हैं, सो इस वजह से ऑडियो शायद क्लियर ना है, तो उसके लिए पहले ही से सॉरी बोलता हूँ। नया खुला है ये, तो अच्छी बात है, अपने घर के पास पेट्रोल पंप खुल गया है, पहले नहीं था कोई भी पेट्रोल पंप दूर दूर तक, तो अभी अपने घर के पास ही पेट्रोल पंप खुल चुका है, तो वो अच्छी बात है। करवाते हैं फ्यूल अप, देखते हैं कितने में होता है फ्यूल अप। तो आज पेट्रोल का रेट है 15 5.18 liter, देखिए कहाँ तक पहुँचती है। फुल हो गया, लेट्स गो। हे सीरी, प्ले म्यूजिक। आज मैं राइड में क्यों निकला हूँ, आज है मंडे, यूजली संडे को ही सब लोग राइड करते हैं, क्योंकि पूरा ग्रुप जाता है, संडे को सब लोग फ्री रहते हैं, मंडे को कोई राइड नहीं करता, जो फ्री होता है वही राइड करता है, सोलो राइड। सो आज मैं फ्री था, और कल मेरी एक्चुअली राइड थी, कल गांधीधाम से वाइट रन, फिर वाइट रन से काला डूंगर, फिर वहाँ पे वापस घर, तो कुछ अराउंड 300 किलोमीटर की राइड थी कल। लेकिन क्या हुआ कि मेरी कल सुबह तबीयत खराब थी, सिर में दर्द हो रहा था सुबह सुबह, तो मैं गया नहीं कल राइड पे, वरना अपने ग्रुप में एक राइड थी कल। कल मेरे को मीत भाई ने फ़ोन किया, बहुत सारे फ़ोन किए, लेकिन सुबह सिर में बहुत दर्द था तो मैं गया ही नहीं, और आज मैं था फ्री,
और सुबह सुबह उठा तो एकदम फ्रेश मॉर्निंग थी, तो मैंने सोचा कि चलो अभी राइड कर लेते हैं, अभी फ्री बैठे घर पे क्या करेंगे, तो चलो अभी राइड कर लेते। तो ये वजह है मंडे को राइड पे निकलने का। सनराइज में मज़ा ही आ जाता है, लेकिन ठंडी में फिर भी ठंडी पड़ती है। सूरज देवता निकलते हैं लेकिन अपनी गर्मी के साथ नहीं निकलते, ठंडी तो पड़ती ही है। आई होप मेरा वॉइस आ रहा हो सही से। सो मेरे पास अभी ग्लव्स नहीं है, तो अच्छे से मुझे ग्लव्स भी खरीदने हैं। अगर आपको कोई अच्छा ब्रांड पता है तो प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिए कमेंट में कि मैं कौन से ब्रांड के ग्लव्स लूँ, क्योंकि ठंडी में ग्लव्स एक तो ठंडी से हमको प्रोटेक्शन देते हैं, दूसरा वैसे भी प्रोटेक्शन होता है, अगर हम गिरते हैं तो हाथ में लगता नहीं है। सो ग्लव्स ज़रूरी है, ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरे पास है नहीं। अभी अच्छे से मेरे को परचेस करने हैं, अभी देखूँ कौन से परचेस करूँ। और तो अभी मैं स्लो इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है, तो स्पीड में वॉइस आएगा नहीं। और अभी मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हूँ क्योंकि GoPro का जो माइक है वो मेरी वॉइस को कैप्चर करे या ना करे, इसलिए। तो अभी चलो फटाफट चलते सतीश के पास। तो गाइस आ चुका है अपना ऑफ रोड। अब कहाँ पे सीधो स्ट्रेट है, इस साइड है, और ये तो बहुत ही खतरनाक ऑफ रोड है। अब ये R15 कर पाएगी? भाई 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 ओहो ये क्या है, यहाँ पे कांटे लगे हैं क्या है, ये ऊपर से गिरे नहीं यार। अरे भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब वाह, ओहो हो, तो ये कुछ है जगह, यही है ना जगह, और इसके आगे वाह, ये पूरा जो राजा महाराजा थे उनका है। सो आप देख पा रहे हो कैसे ऊपर कीले लगे हुए हैं, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं अभी फ़ोन से भी शूट करने वाला हूँ। सो ऊपर कीले लगे हुए हैं और ये बड़ा सा दरवाज़ा है ऐसे टूटा हुआ है। वाह मस्त लोकेशन तो मस्त है, कोई नहीं अपनी जगह, अपनी राइड वैसे सक्सेसफुल हो गई। वैसे इस लोकेशन पे मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, अभी आपको मिलता डायरेक्ट मोबाइल के व्यू में क्योंकि इसमें बैटरी भी कम है। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, और क्या ही लोकेशन है, आप मेरे पीछे देख सकते हो पूरा फोर्ट है ऐसा। तो ये है बुजियो हिल, इसको बुजियो हिल कहते हैं। यहाँ पे एक दरवाज़ा है बड़ा सा, और दरवाजे के ऊपर पूरे ऐसे कीले घुसे हुए हैं दरवाजे के ऊपर, वो पुरानी है जो पुराना राजा महाराजा यहाँ पे ऐसे ये पूरा स्टाइल उनका ही है। तो अभी भी ये दरवाज़ा अभी भी है, और ये बुजियो हिल है, और हम अभी इसके ऊपर जा रहे हैं, हम अभी ऊपर पहाड़ पे जाएंगे। सो बुजियो हिल एक आपको ऊपर से सही से दिखेगा, और अभी आप ये लोकेशन चेक करिए, देखिए ये पुराने राजा महाराजा का पूरा किले वाला दरवाज़ा, और ऊपर भी आप देख पा रहे हो। और हम जैसे इसके अंदर जाते हैं तो ऐसा कुछ है, और ये क्या लिखा है, दामिनी आई लव यू। यहाँ पे तो रास्ता मेरे को दिख नहीं रहा है, जंगल ही दिख रहा है, यहाँ पे शायद तक रास्ता नहीं होगा, देखते अभी कहाँ से रास्ता है। तो हम अंदर आए तो ये यहाँ पे कुआं है, ओ कुआं नहीं देखना भाई हमको, उधर छोड़ दे।
तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, सो ऊपर वहाँ पे जा रहे हैं टॉप पे। सीढ़ी बहुत डेंजर है, सीढ़ी है बहुत डेंजर, कोई सपोर्ट वपोर्ट नहीं है। देखिए अभी चढ़ पाते नहीं चढ़ पाते मेरे, वैसे सतीश ने दोनों हेलमेट पकड़े हुए हैं, मैं चढ़ जाऊंगा, कष्ट दे रहा हूँ वैसे इसको मैं, लेकिन मैं खतरनाक है यार ये तो, बहुत बड़ी बड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, सही बात है जी में ये तो। हाँ तो हम यहाँ पे ऊपर आए और ये रही मेरी बाइक, तो यहाँ से सब हमला करते थे, दू 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 दू, सही बात है ना। हाँ और भी ऊपर जाना है भाई, और भी ऊपर, ओ वहाँ तक जाना है, चलो लेट्स गो। तो हम जैसे ऊपर आए, हमने हेलमेट वहाँ पे रख दिया है क्योंकि कुछ शॉट्स लेने होंगे, साथ ही कैमरा से शॉट्स लेगा तो हेलमेट बीच में आएंगे, सो हमने वहाँ पे रख दिए। तो हम जैसे इतना ऊपर आए तो हमने क्या देखते हम कि तोप चलाने की जगह यहाँ पे, आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ अभी। चल भाई वापिस चढ़ना तो पड़ेगा लेकिन चल। सो और ये अपनी फैल्कन, और ये जगह है यहाँ पे तोप रखते थे, फिर यहाँ से तोप चलती थी, सो ऐसा कुछ था, क्योंकि यहाँ पे तोप इसलिए रखते थे क्योंकि ये रास्ता है यहाँ पे आने का, सो ये तोप रखते थे, वहाँ भी एक तोप रहती थी, और पूरा आप देख पा रहे हो ये इंडिया का चाइना वॉल, वहाँ से वो पूरा आप देख पा रहे हो वॉल, पूरा जो चाइना में वैसा ही अबूज में भी ऐसा वॉल। सो और ऊपर चलते भाई, अभी ऊपर क्या है वो देखना है मेरे को, चलो ऊपर चलते, वहाँ पे एक मंदिर भी है हो रहा, तो यहाँ से मान ले सतीश तू वहाँ से आ रहा है, दुश्मन है तू मेरा, तो यहाँ से मैं जलाऊंगा तो चुप वहाँ पे गिरेगी। चल अब चलते हैं ऊपर, लेट्स गो, चढ़ते हैं ऊपर अभी। सो आगे तो थोड़ी सीढ़ियाँ ही नहीं है, वहाँ से सीढ़ी चालू हो रही है, वैसे मेरे को हाइट से डर लगता है, अभी कैसे जाएंगे सतीश, और ये पूरा गिरता भी ऐसा लग रहा है मेरे को, हैं? चल तू जा पहले। तो ये जा रहा है अभी, वाह पहुंच गया वो तो, चलो हिम्मत करते हैं हम भी जाते हैं क्योंकि हमको वीडियो शूट करना है भाई, चलो अभी चलते हैं। कर लिया, ऐसे इतना कुछ है नहीं लेकिन मेरे को डर लगता है हाइट से, इसलिए मेरे को ज्यादा लग रहा है, चलो अभी चलते हैं। तो हम इतना ऊपर आ गए और बैठ गए क्योंकि ऊपर रास्ता नहीं है, बस यहाँ से थोड़ा सा ही है इतना ही, फिर आगे सीढ़ियाँ नहीं है, बैठने का है, बैठने का तो भले है, नहीं नहीं हमको वहाँ पे नहीं जाना, एक्चुअली मैं थक गया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो अब यहाँ पे करते हैं थोड़ा फोटो शूट क्योंकि पीछे जो भुज सिटी है वो आप देख पा रहे हो कितनी प्यारी है, सो करते हैं थोड़ा फोटोशूट यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे बहुत सारे वीडियो बनाने के बाद, थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद, यहाँ पे जो बहुत मुश्किल था ये यहाँ पे सीढ़ियाँ टूटी हुई है, वहाँ पे वापस उतरने के बाद अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, और थोड़ा वहाँ पे भी फोटोशूट करेंगे, आगे आपको दिखाता हूँ कहाँ पे। और यहाँ पे मज़ा तो आया लेकिन यहाँ पे जो बीच में टूटा हुआ है ना वो बहुत ख़राब है, क्यों पता है आपको, ये इतना डेंजर नहीं है, ये इतना डेंजर नहीं है, मतलब कि लुकवाइज में नहीं लग रहा है, लेकिन जिसको हाइट से डर लगता हो ना वो इतना भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जब नीचे देखता है तो उसको चक्कर आने लगते हैं और वो ब्लैकआउट हो जाता है, सो ये बहुत वैसे रिस्की है जिसको हाइट से डर लगता है, मेरे जैसे को हाइट से जिसको फोबिया है उसको, सो प्लीज़ आप अगर आपको हाइट से फोबिया है तो यहाँ पर मत आइए, क्योंकि आदमी कब ब्लैकआउट हो जाता है उसको खुद को नहीं पता होता, अगर वो गिरा तो
नीचे सिर्फ पत्थर ही पत्थर है नीचे, सो वो कहीं सिर पे लगा तो आदमी मर भी सकता है। सो आप ऐसा ट्राई मत करिएगा। अभी जाते हैं हम आगे की लोकेशन पे, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं, लेकिन हम वापस आ रहे हैं क्योंकि हमको इंस्टाग्राम के लिए भी कंटेंट बनाना है। सो एक कंटेंट क्रिएटर के लिए कोई भी काम इजी नहीं होता, मतलब कि आप देखो कि वीडियो बनाने के लिए हमको 2-3 शॉट लेने पड़ते हैं, कोई अच्छा है कोई खराब है। सो अभी देखो, अभी हम एक शॉट लेने के लिए वापस यहाँ पे आए, अभी वापस वहाँ पे जाएंगे। सो आप ये 10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो देखते हो, लेकिन इसके पीछे हमारे पूरे दिन की मेहनत होती है। सुबह 6 बजे से लेके रात को 12 बजे तक की मेहनत होती है, क्योंकि सिर्फ वीडियो बनाने से नहीं काम नहीं होता, उसके बाद एडिटिंग भी करना पड़ता है। सो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि वो एकदम फ्री है, और आपके एक लाइक से और एक सब्सक्राइब से हमारा दिन बन जाता है, हमारे वीडियो की मेहनत पूरी हो जाती है। सही बात है ना? अभी रुक, अभी तो यहाँ पे रुक, पहले मेरा फ़ोन ले, ये ले, अभी यहाँ पे रुक ना तू, और फ़ोन ऐसे ही रख देना। नहीं नहीं नहीं, सीधा 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 रखना, इंस्टाग्राम के लिए बनाना है। हाँ, और रुक, नीचे बैठ जा, फ़ोन नीचे रखना ऐसे, देख यहाँ पे फ़ोन रख, बैठ जा, अभी फ़ोन बस ऐसे ही, फ़ोन का एंगल यही रखना, ठीक है? मैं वहाँ से आऊँगा और फिर बाइक लेके वहाँ चला जाऊँगा, फ़ोन का एंगल मत चेंज करना, वो ऐसे ही रखना, स्टेबल, ठीक है? एकदम स्टेबल, और पीछे फोटो आ रहा है ना ये, हाँ बस है, बस ऐसे रख, नहीं ऐसे नहीं, वो रोड आना चाहिए, हाँ ठीक है, बस ऐसे रख। तो आप देख पा रहे हो कि एक वीडियो लेने के लिए 2 लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर ये नहीं होता तो मेरे को ट्राइपॉड रखना पड़ता, लेकिन वीडियो तो मैं लेता ही, क्योंकि इंस्टाग्राम के लिए भी कंटेंट बनाना है, यूट्यूब के लिए तो बन चुका है। तो चले अभी वीडियो की तरफ। आजा आजा, अभी वो आएगा, फिर हम वापस अंदर जाएंगे और फिर हम गेट के पास से वीडियो लेंगे एक। सो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करेगा अभी तक? जल्दी से जाओ यार, इतना मस्त कंटेंट आने वाला है अभी। बैठ जा, वापस अंदर चलने, बैठ जा, इतना मस्त कंटेंट आने वाला है इंस्टाग्राम पे, तो जल्दी से फॉलो कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और यूज़र नेम अभी आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, जो आपको अच्छा लगे सर्च करना तो सर्च कर लीजिए, वरना लिंक तो है ही डिस्क्रिप्शन में। तो वापस जा रहे हैं हम फोर्ट पे, क्योंकि अंदर का भी एक, मैं अंदर बाइक लेके आ रहा हूँ, वो वीडियो शूट करना है। अगर आपको ये व्लॉग जरा सा भी अच्छा लगा तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल पे नया कर दीजिए सब्सक्राइब। अभी आपको मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए व्लॉग में एक नए लोकेशन के साथ, तब तक बाय बाय, जय हिंद। दिल नाल लारे नी तू रंग वाली है, दिल तेरा जदों टुटूगा तां मेरे दिल नाल।